छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के लिए चलाई जा रही शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। कांकेर जिले के दुधावा बांध में आधुनिक तकनीक के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मछली पालन की नई तकनीक पर आधारित इस परियोजना ने रोजगार के अवसर देकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में महती भूमिका निभाई है। मोर नाम चरण सिंह नेता, मैं गहरीन बांधा के निवासी हूँ। लगभग 25-30 साल मछली मारत होए। हम दुधावा डैम में मछली मारे के काम करत है। 300-400 सदस्य हैं। जाली डोंगा सरकार तरफ से मिलत है। एमआई के फिश कंपनी, आसिफ इकबाल खान एमडी। इसमें हम लोग को सरकार के जो तरफ से मत्स्य विकास परियोजना के लिए मिला हुआ है, जिससे हम लोग मछुआरे परिवार को रोजगार दे रहे हैं। मछली बेचने वाले व्यवसायिक 150 परिवार को कार्य दे रहे हैं। यह हमारा पारंपरिक कार्य है और इस परियोजना से बहुत से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। दुधावा जलाशय में हम लोग अभी नए प्रयोग के तहत केज कल्चर का प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिससे केज कल्चर से कम जगह में बहुत ज़्यादा मछली उत्पादन कार्य किया जा सकता है। कम जगह में अधिक से अधिक उत्पादन करने का कार्य किया जाता है। इसमें एक केज में हम लोग 5000 टन के करीब करीब मछली उत्पादन कर रहे हैं, जो कि तेलपिया और फंगास नई पद्धति से कर रहे हैं। और ये नया प्रयोग है। परियोजना को चलाने के लिए 40% की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर किए जा रहे मछली पालन के कार्य ने कांकेर जिले को इस क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। यहाँ की उन्नत किस्म की मछलियों के साथ ही उन्नत मछली बीज का निर्माण कर निर्यात किया जा रहा है, जो कांकेर जिले को एक नई पहचान दे रहा है। शासन की मछली पालन की इस विशेष योजना के बेहतर क्रियान्वयन से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और साथ ही मिल रही है जिले को एक विशेष पहचान। गढ़ो नवा छत्तीसगढ़।